अगर रामगढ़ में भगवा लहराएगा तो रामगढ़ में बुलडोजर राज हुन, हर आतताई, हर अतिक्रमी, हर अपराधी के विरुद्ध यहाँ बुलडोजर राज करेगा, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान। राजस्थान में चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है और ये जिला है अलवर, और अलवर की ये रामगढ़ विधानसभा है। इसको, इस विधानसभा सीट को बहुत ही अधिक हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण देखे जाते हैं, 35 साल पुराना अगर हम इतिहास खंगालने की कोशिश करें तो यहाँ पर कांग्रेस हमेशा से मुसलमान को प्रत्याशी बनाती है, तो यहाँ पर भाजपा कहीं ना कहीं कट्टर हिंदूवादी नेताओं को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाती है। तो उसी श्रृंखला में अब की बार जो जुबेर हैं कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो भाजपा से जय आहूजा हैं। इनसे पहले जय आहूजा के जो चाचा जी हैं ज्ञानदेव आहूजा, वो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं दो बार से। और उधर की बात करें तो उधर से जुबेर तीन बार के विधायक रह चुके हैं, अब की बार उनकी मिसेज जो साफिया और जुबेर हैं वो यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पर जो टक्कर है वो एकदम हिंदू मुसलमान वाली यहाँ पर देखने को मिलती है। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आपको और आपके जो खबर इंडिया के दर्शक हैं उनको सभी को हमारी ओर से बहुत साधुवाद, अभिनंदन, जय श्री राम। तो कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से 35 साल का अगर हम इतिहास खंगालने की कोशिश करते हैं तो रामगढ़ विधानसभा हमेशा से एकदम हॉट मानी जाती है। आप भाजपा की तरफ से कट्टर हिंदूवादी चेहरा ज्ञानदेव जी रहे, अब आपके नाम कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो दाव खेलने वाली है। उधर से कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जो जुबेर हैं उनके ऊपर ही दाव खेलती आ रही है। कैसे देखते हैं ये, कैसा युद्ध होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाती है। पिछली बार हमारे बड़े भाई सुखवंत सिंह जी चुनाव लड़े थे, आहूजा साहब नहीं लड़े थे। और कांग्रेस ने इस पूरे मेवात को, सिर्फ रामगढ़ को नहीं, कामा, रामगढ़, तिजारा, ये जितनी भी सीटें हैं नगर, यहाँ पे सबको मुस्लिम आरक्षित किया हुआ है। तो मुस्लिम हिंदू की राजनीति असल में कांग्रेस करती है, और इनका ही एक पैटर्न है काम करने का कि ये वोट बैंक की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात ये कि यहाँ मुस्लिम मेव समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, उनके बच्चों को इन्होंने पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनके बच्चों को इन्होंने कभी भी समृद्ध नहीं होने दिया, और अपराध जो लोग करते हैं मेवात में उनको ये सामाजिक रूप से स्वीकार्यता दे करके इनके पॉलिटिकल लीडर और उन अपराध और अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं। जब कोई भी आपको धकेलते धकेलते दीवार के लगा देता है, पीछे करते करते आपके पीछे हटने की जगह खत्म हो जाती है, तो आपको पुशबैक करना पड़ता है, आपको सामने वाले को धक्का देके अपने आप को सुरक्षित करना पड़ता है। तो मेवात की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। और ये जो मुसलमान हिंदू की राजनीति है 1985 में रामगढ़ से ही शुरू हुई। कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया सोहनलाल जी अरोड़ा प्रधान, जो टीकरी नौगांवा के रहने वाले थे, और बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया रामगढ़ के रहने वाले श्री रघुवर दयाल गोयल को। उस समय मेव समाज ने एक पंचायत करके निर्णय लिया कि हम किसी दूसरी बिरादरी को वोट नहीं देंगे, हम तो मेव को ही वोट देंगे। और यहाँ पे एक नारा प्रचलित हुआ, पहलो वोट जात लू, जात ना हो तो हाथ लू, यानी सबसे पहला वोट तो जाति को देना है, अगर जाति का कैंडिडेट नहीं है तो हाथ यानी कांग्रेस को देना है। और यहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू की। कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई, जो यहाँ भारी बहुमत से जीता करती थी। बीजेपी के कैंडिडेट बहुत मार्जिन से, माइनर मार्जिन से चुनाव जीते, रघुवर दयाल जी गोयल, और बनिया खां कंटेस्ट में आ गए एक निर्दलीय कैंडिडेट, सिर्फ मेव समाज के इकलौते मतों पर। तो ये यहाँ पे पोलराइजेशन की जो राजनीति है ये मेव समाज ने चालू की, उसी का लाभ लेते हुए जुबेर खान उस समय 1989 या 1988 में शायद जामिया मिलिया दिल्ली के अध्यक्ष थे, NSUI के टिकट पे, अपने संपर्कों का प्रयोग करके रामगढ़ की टिकट लेके आए, ये डेटा और स्टैटिक्स दिखा के कि ये सीट तो मेवों की है। और धीरे धीरे जुबेर खान जी के नेतृत्व में पूरे इलाके में मुस्लिम आरक्षण कर दिया कांग्रेस ने। तो हम तो अपनी परेशानियों से बचने के लिए, अपने शांतिप्रिय जीवन के लिए, अपने समृद्ध जीवन के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने मंदिरों की रक्षा के लिए, अपनी जमीनों की रक्षा के लिए, अपनी बस्तियों की रक्षा के लिए हमको पुशबैक करना पड़ रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि सामने से अगर देखें तो जुबेर भी तीन बार के विधायक हैं और आप युवा चेहरा हैं, कैसे देख रहे हैं अभी इस लड़ाई को? देखिए, जुबेर खान जी ने और हमने 5 चुनाव आमने सामने लड़े हैं, जिसमें से पहले चुनाव में हमको राजनीति की ज़्यादा ABCD भी पता नहीं थी। वो वर्तमान विधायक थे उस समय 1993 में, वो चुनाव बहुत कम दिन का था, 17 दिन का, हम वो हार गए। उसके बाद हम उस चुनाव में 6,000 वोटों से हारे, अगले चुनाव में काफ़ी अधिक मत लेकर के अब जुबेर खान जी को हमने 1998 में परास्त किया। 2003 में भी जनता ने हमें वोट बहुत दिया और
1998 की तुलना में हमें लगभग 8000 मत अधिक मिले, लेकिन हम मार्जिन पे 700 वोटों से बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव हार गए। 2008 और 13 हमने लगातार अच्छे मार्जिन से जीते और 18 में हमें टिकट नहीं मिला। ये ट्रैक रिकॉर्ड देख के आपको समझ में आ सकता है कि हमारी PhD है इस सीट पर कई कई बार की, और हम लड़ना जानते हैं ऐसे क्रिटिकल और टफ एरिया के चुनाव को, और हम जीतना भी जानते हैं। जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। मतलब मेरे फ़ोन पे जीवन में इतने फ़ोन नहीं आए टिकट घोषित होने के बाद। मैं अब तक 3000 से ज़्यादा कॉल अटेंड कर चुका हूँ। आप भी काफ़ी देर से यहाँ, आप देख रहे हैं कि फ़ोन पे क्या हालत है, लोगों में कितना उत्साह है। तो ये जनता का उत्साह है, उसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, जनता, भाई बहन, मित्र इकट्ठे होंगे और वो जवाब देंगे कि रामगढ़ के चुनाव में क्या होने वाला है। जय आहूजा जी, कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से सुखवंत पिछली बार चुनाव में भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे और अब की बार वो टिकट नहीं मिला तो वो भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहां तक आपकी वो कोशिश है कि वो नाराज ना होकर के आपका साथ दें, या फिर वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? खेल तो वो भी बिगाड़ सकते हैं। दो दिन पहले उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया था और कई भाजपा के कार्यकर्ता जो अब हमारे साथ हैं, मंडल अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, वो उनके बुलावे पे एक सारे देता के नाते गए थे। वहाँ सब लोगों ने उनको सुझाव दिया कि हमको BJP को या इनको हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने भी मंच से ये कहा कि मैं किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके पहले भी पार्टी की जितनी भी मीटिंगें होती थी, हम लोग बहुत मजबूत तरीके से कहा करते थे, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, 15-20 लोग टिकट मांग रहे हैं, हम एकजुट होकर के इस राक्षसी राज का अंत करेंगे और उनको चुनाव हरा के भाजपा को विजयी बनाएंगे। उनको अपने वचन का पालन करने का हम याद दिलाएंगे, वो हमारे बड़े भाई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब चीज़ें सेटल होंगी और वो हमारे साथ अभियान का हिस्सा बनेंगे। आपने कहा कि एक राक्षसी राज कैसे दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि वो भी विधायक हैं, जनता ने चुने हैं। इधर अगर बात करें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो भी जनता की चुनी हुई है। देखिए, राक्षसी राज कैसे है कि मेवात अभी साइबर क्राइम में पूरे भारत में सबसे बड़ा स्पॉट बन गया है। करोड़ों रुपए यहाँ पे साइबर क्राइम के, सेक्सटॉर्शन के रोज लूट के आते हैं। गांव-गांव में प्राइवेट ATM भी लगवा लिए इन्होंने कुछ हिस्सों में मेवात के। हरियाणा में भी बहुत बड़ी संख्या में ये सब हो रहा है, हरियाणा के मेवात में, जो वॉल शेयरिंग है हमसे लगता हुआ है। तो आम जनता का पैसा लूटना राक्षसी वृत्ति है। गौ माता की हत्या करना, गौ माता की तस्करी करना राक्षसी वृत्ति है। 1920 के लैंड रिकॉर्ड निकाल करके मंदिरों के नीचे की जमीन पे कब्रिस्तान बनाने का प्रयास करना, जिस गांव में, जैसे हमारे यहाँ डॉली गांव में घटना चल रही है, तो इस प्रकार की चीज़ें राक्षसी वृत्ति है। और सीधे साधे लोगों को सताना, परेशान करना, ये लूटपाट, डकैती, इस तरीके के जरायम पेशा काम करना, ये राक्षसीय वृत्ति है। हमारा किसी व्यक्ति या मजहब से विरोध नहीं है, पर अपराध और अपराध के तौर पे चलने वाली राक्षसी वृत्ति को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराधियों का निश्चित अंत करके मानेंगे रामगढ़ में। रामगढ़ को अपराध मुक्त बनाना है सबसे पहला ध्येय है। बहन बेटी को सुरक्षित करना, जमीन जायदाद को सुरक्षित करना, आम जनता के जीवन को, संपत्तियों को सुरक्षित करना, ये हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है। हमारे देवस्थानों को सुरक्षित करना, उनके देवस्थान भी सुरक्षित रहें, लेकिन हमारे देवस्थान भी सुरक्षित होने चाहिए, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। क्या जिस तरह की घटनाएं आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इन 5 सालों के अंदर ये ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया गया? एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, घाटमी का गाँव के नासिर और जुनैद की जली मिली भिवानी में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। इस प्रकार की हत्या करने को मैं भी उचित नहीं ठहराता, लेकिन जिस प्रकार से वो पूरा प्रकरण चला, जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिस हुई, जिस तरीके से निर्दोष लोगों को मुकदमे में फंसाया गया, और अशोक गहलोत साहब हमारे यहाँ गोविंदगढ़ में चिरंजी लाल सैनी जी की पर तो नहीं आते, उनके परिवार को मॉब लिंचिंग करके चिरंजी लाल हत्या करते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। या योगेश जाटव, दलित समाज के एक लड़के की भटपुरा गाँव में, उस पर तो कोई बोलने नहीं आता। यहाँ पर एक घटना हुई किशनलाल जाटव की, अहमद का पास गंडूरा में, हत्या पर कोई कांग्रेस की सरकार बोलने नहीं आती, लेकिन नासिर और जुनैद, जिनके ऊपर गौ तस्करी और गौ के मल्टीपल केसेस थे, और उनमें से एक जना तो इनामी और था, फरार भी था और इनामी था, उनके घर जाके नौकरियां और करोड़ों रुपए देना क्या दर्शाता है? क्या धरती का कानून एक रूप से सब पे लागू नहीं होना चाहिए? तो ये लोग अपीजमेंट की सारी सीमाएं पार करते हैं, इसलिए हम इस राज को राक्षसी राज कहते हैं। हिंदू समाज कभी भी ये नहीं कहता कि आप किसी अपराधी का भला करो। हिंदू समाज ये कहता है, हम सभी सदाचारी लोग, देश के कानून को, संविधान को मानने वाले लोगों का ये मत है कि धरती का कानून सभी पे समान रूप से लागू होना चाहिए, जाति और मजहब देख के धरती का कानून नहीं लागू होना चाहिए। पर कांग्रेस में ऐसा ही होता है कि मजहब देख के कानून लागू होता है।
अगर सरकार में आप आते हैं तो क्या ठोस कदम ऐसे उठाएंगे कि जिस तरह की ऐसी घटनाएं होती हैं मेवात के अंदर, क्या फिर वही उत्तर प्रदेश की तरह योगी मॉडल लागू किया जाएगा यहाँ पर? मेरा एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है कि राजस्थान में और जगह के लिए तो मैं कुछ नहीं कहता, अगर रामगढ़ में भगवा लहराएगा तो रामगढ़ में बुलडोजर राज हुन, हर आतताई, हर अतिक्रमी, हर अपराधी के विरुद्ध यहाँ बुलडोजर राज करेगा, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। किस तरह की पहल होगी वो? अपराध मुक्त करने की पहल होगी, आम जनता का जीवन सुरक्षित करने की पहल होगी, बहन बेटियों को सुरक्षा देने की पहल होगी, आम लोगों का जीवन सुचारू चले, बिजनेसेस अच्छे हों, लोग यहाँ भले तरीके से जाएं आएं, रात बिरात आने जाने में डरे नहीं, यही हमारी प्राथमिकता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आमने सामने की टक्कर है, 35 साल का पुराना अगर रिकॉर्ड निकालते हैं तो वो एक ही परिवार के साथ दूसरा परिवार भी आमने सामने रहता है, तो कितने सुनिश्चित हैं, कहाँ तक पीएचडी होल्डर पास होने की उम्मीद रखते हैं? 100% पास होंगे, क्योंकि परीक्षा वर्तमान विधायक और उनके परिवार की है। हम राज में नहीं थे और ना हम एमएलए थे, तो जितनी भी गलत चीज़ें हुई हैं वो उनके परिश्रय से हुई हैं, ये सारा समाज जानता है, सारी जनता जानती है, और जनता अब समय आ गया उनको इसका मुँह तोड़ जवाब देगी। क्या दिखाई दे रहा है कि क्योंकि जो प्रत्याशी पहले भी सुखवंत रहे वो नहीं अब आपके साथ हैं, और उधर आमने सामने की टक्कर दिखाई भी दे रही है, क्योंकि अब जो परीक्षा देने का समय है वो बहुत कठिन भी है, और आप युवा चेहरा भी हैं और हिंदूवादी चेहरा भी है आपका, तो क्या दिखाई दे रहा है जो युवा जो आपसे जुड़ा हुआ है वो किस मुद्दों को लेकर के, क्योंकि राजस्थान के अंदर रोजगार की बात बहुत हुई और फ्री की चीज़ें भी बहुत दी गई, उस तरह की भी बड़े लालच दिए गए, क्योंकि जो दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं उनको फ्री सुविधाएं या फ्री लॉलीपॉप देने की बात जो करते हैं वो पहुंच रही हैं, तो क्या उन चीज़ों को साध पाएंगे? रामगढ़ में मेवात में जो मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं वहाँ कहीं 15%, 20%, 25%, 18% हिंदू आबादी है, तो उसमें 90% दलित समाज है और OBC के प्रजापत समाज है, उनके ऊपर जितनी प्रताड़नाएं हो रही हैं ये उन्हीं के वेलफेयर के लिए, उन्हीं के सुरक्षित जीवन के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है, तो इस क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ की प्राथमिकताएँ अलग हैं। दूसरा, आपने रोजगार की बात की, तो राजस्थान पेपर लीक करने में चैंपियन रहा गहलोत राज में, तो यार रोजगार किसी को मिला नहीं। हमने ये परिस्थिति देख के अपने बच्चों का जीवन समृद्ध हो इसके लिए अप्रैल से एक इनिशिएटिव चालू किया, रोजगार मेले का हर साल लगाएंगे, और मेरे घर पे जहाँ आप बैठे हैं वहाँ एक रोजगार कार्यालय चलता है, रोज बच्चे अपना बायोडाटा लेके आते हैं, रोज प्राइवेट कंपनियों में उनकी नौकरियाँ लगवाते हैं, 37 बड़े कॉरपोरेट्स के साथ में हमने अलाइन किया हुआ है, बच्चों की योग्यता के अनुसार उनकी नौकरियाँ लगवाते हैं, परिवारों के अंदर समृद्धि तभी आएगी जब बच्चे रोजगार पर लगेंगे, खाली घूमते बच्चे परिवार और स्वयं दोनों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। इधर मुख्यमंत्री हैं वो तो बार बार कहते हैं कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है और कुर्सी को मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, तो भाजपा वाले ध्यान रखें, यहाँ से तो बिल्कुल हवा ख़राब है। देखिए मैं आपको बताऊँ, गहलोत साहब ये कह रहे हैं हम रिपीट करेंगे, हम उनकी बात से सहमत हैं, गहलोत साहब निश्चित रूप से रिपीट करने वाले हैं अपने इतिहास को। 1998 में 156 सीट की सरकार बनाई और 2003 में गहलोत साहब की 100 सीटें कम हो गई उनके नेतृत्व में, फिर 2008 में सरकार बनाई और 2013 में मात्र 21 सीटें रह गई 200 में से, वो अपने वचन के पक्के हैं, और वो मुख्यमंत्री पद अगर कांग्रेस का राज आएगा तो कभी वो परशुराम जी मदेरणा को डिच करके हासिल करेंगे, कभी वो CP जोशी साहब को धोखे से हासिल करेंगे, कभी वो सचिन पायलट के साथ धोखा करके हासिल करेंगे। हम पूर्वी राजस्थान में बैठे हैं, यहाँ पे सारे गुजर सरदारी पंचपटेलों ने सातों जात के सामने अपनी पगड़ी रख दी, साहब अब की बार सचिन को दे दो, सचिन CM बन रहा है कांग्रेस में, ये कोई भूलने वाला नहीं है। ये कोई आदमी मान अपमान सदैव याद रखता है पर अपमान को अधिक याद रखता है, आदमी साथ देने को याद रखता है लेकिन उससे ज़्यादा धोखे को याद रखता है। तो गुजर समाज और अन्य जातियाँ जिन्होंने इनकी बात पर भरोसा किया सचिन पायलट जी के नाम पर, वो सब इस बात को याद रखेंगे कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ और उनके साथ कैसा अपमान हुआ। ये एरिया क्लीन स्वीप करेगा, पिछली बार जयपुर सहित 7 जिले हैं यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में, 58 में से मात्र 9 या 8 सीटें थी BJP की, अब की बार आप देखना कांग्रेस को 8 सीटें भी नहीं मिलेंगी यहाँ पे। अगर अलवर की बात करें तो अलवर में 11 विधानसभाएं आती हैं और 11 में से 2 ही भाजपा के खाते में, बाकी अलग पार्टियों के पास हैं, कांग्रेस को ज़्यादा है, कुछ अन्य को हैं, तो कितने आश्वस्त हैं कि अलवर अब की बार भगवा होगा? हम जब चुनाव में गए थे तब हमारे पास 10 सीटें थी 11 में से 2018 में, हम उससे बेहतर
परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और 11 में से 11 सीटें जीतने की पार्टी पूरी रणनीति से काम कर रही है और मुझे विश्वास है हम 11 में से 11 सीटें जीतेंगे। तो जैसा कि अगर जीतने के बाद जो भी चीज़ें होती है, जिस तरीके से अगर हम बात करें अशोक गहलोत की सरकार में कन्हैया लाल जैसी घटना हुई या फिर जयपुर में एक रोड रेज में एक मुस्लिम युवा की हुई, तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं कितना अस्वस्थ करेंगे राजस्थान की जनता को कि इस तरह की घटनाएं दोबारा से नहीं दोहराई जाएंगी। देखिए, अगर कानून का डर हो तो अपराध नहीं होते। दिक्कत क्या है, यहाँ कानून का डर खत्म हो गया है और अपीजमेंट के चलते समुदाय विशेष को ये लगता है कि वो उनका कोई क्या बिगाड़ेगा, इसलिए इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी हम क्राइम जो इंडेक्स है उसमें नंबर वन है पूरे भारत में, राजस्थान बड़े दुख की बात है नंबर वन है। इन सारी बातों को कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी में पहले भी था सरकार में और अब की बार उससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि पिछले समय तक बाबा जी का मॉडल हमारे पास नहीं था, अभी बाबा जी के मॉडल के रूप में एक बहुत बड़ा अस्त्र और हमारे पास में है। क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो सरकार है वो तो बार बार कहती है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है, हमने अगर कन्हैया तो उसके कुछ ही घंटों में हमने अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कन्हैयालाल जी की जैसे पहले जब कन्हैयालाल जी थाने में गए थे और उनको की धमकी दी जा रही थी, उनका कोई ध्यान नहीं रखा सरकार ने और पुलिस ने, इसीलिए उनकी हुई। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि कोई आदमी कह रहा है मुझे ये धमकी दे रहे हैं, फिर भी कन्हैयालाल जी की सार संभाल नहीं, उनका जो एकमात्र चश्मदीद गवाह जीवित है वो इतनी बुरी हालत में जिंदगी जी रहा है कि हमारी मित्र मंडली की कुछ संस्थाएं उस आदमी के घर का खर्चा वहन कर रही हैं, सरकार उसको ना तो संभाल रही है ना सुरक्षा दे रही है। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि अभी आपके अलवर में भी इस तरह की घटना हुई, कितना अस्वस्थ है कि अलवर को सेफ जोन घोषित कराएंगे आप? 100% रामगढ़ की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, रामगढ़ को सेफ जोन कराएंगे घोषित, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सभी MLA हमारे विचार परिवार के जीतने वाले हैं तो सभी इलाकों को हम सुरक्षित करेंगे। तो ये हमारे साथ जय आहूजा थे और इन्होंने अपनी बेबाक राय खबर इंडिया के माध्यम से आप तक रखी, ऐसी ही राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।